तो आज हम इंडियन बाइक ड्राइविंग सिटी के अंदर टोटल 11 मिथ्स को देखने वाले, उसी के साथ एक बोनस मिथ मेरी तरफ से भी आपको देखने को मिला जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स गो। मिथ नंबर 1, स्टेप 1 कार स्पॉन करो, स्टेप 2 गन करो, स्टेप 3 कार के पास जाओ, स्टेप 4 ड्राइव ऑप्शन सेम टाइम पर क्लिक करो, अच्छा फायर और ड्राइव सेम टाइम पर और कार से बाहर आ जाओ। भाई काफी ज्यादा बड़ा अच्छा सिंपल ऐसे बोला, कार स्पॉन करो, ड्राइव और फायर बटन एक साथ प्रेस करो, बस सिंपल। तो चलिए कौन सी कार स्पॉन करी जाए, लेट्स गो। यहाँ पर मैं स्पॉन करूँ, यहाँ पर ये कौन सी तो कार स्कॉर्पियो, यस तो स्कॉर्पियो यहाँ पर स्पॉन कर दी। देन अपने को यहाँ पर अपने को फायर और ड्राइव एक साथ प्रेस करना है, तो यहाँ पर ये फायर में करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पर। एंड अभी जस्ट मेरे को ड्राइव भी प्रेस कर देना, तो यहाँ पर फायर में कर ही रहा था उसी टाइम मैंने ड्राइव भी प्रेस कर दिया। एंड अभी अपने को फिर से बाहर आ जाना है, तो ठीक है यहाँ पर मैं बाहर आ चुका हूँ। एंड अभी ऐसा क्या जादू हुआ, यहाँ पर गाड़ी ऑटोमेटिक नहीं चल रही, तो फिर क्या हुआ भाई, एक सेकंड। ओ यस यस भाई, ये तो मेरे को पहले देखा हुआ लग रहा है भाई, रुको ये नाइट में काफी मस्त ग्लो करेगा। लेकिन इसका एक और चीज, अच्छा ये नहीं, यहाँ पर आना अपने को और नाइट मोड यहाँ पर लगा देता हूँ, फिर ये काफी अच्छा ग्लो करेगा आई थिंक, यस। लेकिन ये हर कार के मतलब हर बाइक क्या भाई, हर गन के साथ नहीं होता है, लेकिन ठीक ठाक है। इसको मैंने दूसरी पहले भी ट्राई कर, दूसरी चीज से कर सकता हूँ, लेकिन वो मेरे को पता नहीं उसको कैसे करता है। लेकिन यस ये वाला मिथ होता है यहाँ पर कंफर्म। नेक्स्ट मिथ, टार्जन स्पॉन करो, उसे ब्लास्ट करो, आरजीबी करो, फिर देखो मैजिक। भाई पहली बात तो ये बताओ, टार्जन को ब्लास्ट करने के बाद वो आरजीबी कब से होने लगी, तो 300 यहाँ पर चीट कोड है टार्जन का, यहाँ पर मैं जाऊँगा एंड पहले से इसको ब्लास्ट करना है भाई, तो लेट्स गो। अरे यार ये तो बवासीर वाला प्राणी भाई, अच्छे से फोन पकड़ लेना भाई, तो लेट्स गो। अभी मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड लिखा इसका वोट, और भाई भाई ये कैसे हो रहा है भाई, इसका कलर लिटरली चेंज हो रहा है भाई, ये मिक्स भी हो रहा है भाई, और ये शायद उसमें भी होता था वो ट्रक हो आई थिंक उसमें भी, लेकिन आरजीबी भाई ये क्या खतरनाक चीज है भाई, ये देखो और इसका एक पुर्जा यहाँ पर निकल रखा है, इसमें भी आरजीबी हो रखा है भाई, गेट में भी, और भाई गायब हो गया भाई, ये मस्त था भाई लिटरली। और ये पुर्जा अभी भी यहीं पर है भाई, ये अभी भी ब्लिंक कर रहा है भाई, एक यहाँ पर तंत्र मिला अपने को एक अलग सा, तो ये मिथ भी होता है यहाँ पर कंफर्म। नेक्स्ट मिथ, 40-50 से अपाची बाइक आएगी, अच्छा भाई 40-50 से अपाची वाली कौन सी बाइक आएगी वैसे, आई थिंक यस, अरे हाँ भाई ये तो मेरे को पता था भाई, वैसे ये कब होता है कंफर्म। नेक्स्ट मिथ, हेलीकॉप्टर और 11-20 को एक साथ क्लिक करो, फिर कैरेक्टर के गिरने से पहले हेलीकॉप्टर उड़ाओ, मैजिक होगा। यहाँ पर हेलीकॉप्टर यही वाला ना, न्यू वाला हेलीकॉप्टर प्लस अपने को 11-20, लेकिन एक सेकंड में 9129 लगा लिया, तो भाई क्योंकि अगर ऐसा मेरे को ज़्यादा नोटिस किया दोनों एक साथ प्रेस करें मतलब अपना बरना तय होता है, इसलिए इन्फिनिट हेल लगा लिया। अभी 11 और 20, यहाँ पर जैसे मैं इसको एंटर करूँ मेरे को जल्दी से हेलीकॉप्टर के अंदर बैठना है, तो 3-2-1 लेट्स गो। यहाँ पर मैंने जल्दी से बैठ गया था, लेकिन मैं गिरने, अरे वेट मेरा कंट्रोल चेंज, ओह भाई ये तो मस्त चीज है भाई, एक सेकंड, लेकिन अरे ये तो वो भाई ये तो खतरनाक भाई, नीचे कैसे गिरा भाई, ये क्या हो क्या रहा है भाई, एक सेकंड फिर से नीचे गिरेगा आई थिंक, नहीं अरे भाई, लेकिन वो हेलीकॉप्टर भाई, वो देखो हेलीकॉप्टर कहाँ पर और हम कहाँ पर भाई, ये तो बड़ी मस्त चीज बताई भाई तुमने, कुछ भी बोलो भाई, वो देखो हेलीकॉप्टर भाई पूरा आसमान में उड़ रहा है, क्या हम गन ले सकते भाई, गन, ओ भाई गन भी चला सकते, और क्या हम यहाँ पर अपने, ये तो चल रहा है लेकिन क्या मोबाइल, भाई मोबाइल भी चला सकते भाई, रुको यहाँ पर अभी लेटेस्ट अपडेट में कौन सी कार आई ना 8123, क्या उसको हम ड्राइव कर पाएंगे, ये हुआ तो ये कुछ अलग ही हो जाएगा। अरे नहीं भाई मैं गिर गया भाई, अभी क्या होने वाला, मैं वोट, ये क्या हो रहा है भाई, ये कुछ गलत खतरनाक ही मिथ बताया भाई, कुछ भी बोल मस्त है मिथ भाई, तो यस भाई ये कुछ इंटरेस्टिंग था और ये मिथ होता है यहाँ पर कंफर्म। नेक्स्ट मिथ, ट्राई फोन जेट लिखो और वहाँ पर रेप रोफिल भाई राइफल जेली, भाई मैं सच कुछ अच्छे से आपको बता देता हूँ, मतलब जेट लिखो है यहाँ पर स्पॉन हो जाए, उसको अपने को ब्लास्ट करना है किसी भी हाल में, तो ठीक है भाई यहाँ पर इतना सिंपल था भाई, इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों करते हो तुम लोग, अच्छा लेट्स गो। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, अरे यहाँ पर नहीं, यहाँ से आपको पता होगा जेट लिखते हैं तो यहाँ पर अपने जेट नहीं भाई जेट JET जेट लिखोगे यहाँ पर काफी सारे जेट स्पॉन हो जाए अपने वर्ल्ड के अंदर। सो गाइस अभी मैं बिल्डिंग पर आ चुका हूँ, यहाँ पर मैं काफी सारे जेट को स्पॉन करना, मतलब जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने जस्ट यहाँ पर कॉपी पेस्ट करूँ मैं सारे के सारे चीट, मतलब चीट किया जेट वाला, तो यहाँ पर सारे के सारे जेट को मैं यहाँ पर स्पॉन करूँगा एंड फिर मैं ट्राई करूँ RPG से उनको ब्लास्ट करने की, तो सारे उड़ रहे, लेकिन वेट मेरे को एक को ब्लास्ट करना प्लीज यार, एक बार ब्लास्ट हो जाओ मेरे को, बस ये
मिशन कंप्लीट करना है, लेकिन इन्होंने मिशन तो नहीं है, मेरे को खुद को करना है भाई। ये यार ये खुद से टकरा कर फूट जाएंगे लेकिन मेरे से नहीं फूटेंगे। रुको भाई, यहाँ पर एक चीज होती है ना भाई, अरे क्या हो अगर हम उनके ऊपर स्टिक बम लगा दे, लेकिन इतना ऊपर कैसे जाएगा स्टिक बम प्लीज। अरे यार ओ भाई ये बच गया भाई, अबे फूट जाना भाई, क्या जा रहा है तेरा। सो बस मैंने तो बहुत ट्राई कर लिया लेकिन नहीं कर पाया, आखिरकार मेरे को हार माननी पड़ी, नहीं टकरा ना ही फोड़ पाए। तो वैसे ये मिथ होता है कंफर्म। ओके नेक्स्ट मिथ, मिथ अगर आप नॉर्मल किसी तीन एनपीसी को मारते हो तो सिर्फ तीन पुलिस कार आती है, पर एक दो तीन चार पाँच पाँच चार तीन दो एक चीट कोड लगाने के बाद पुलिस को मारोगे तो पाँच छः पुलिस कार आती है। भाई ये भी कुछ अलग ही मिथ लेकर आए भाई। तो लेट्स गो, 1 2 3 4 5 ये चीट कोड अपना एनपीसी रहे, यानी इससे एनपीसी बढ़ जाएंगे, और 5 4 3 2 1 इससे अपनी जो व्हीकल्स होते हैं वो बढ़ जाएंगे। अब इसको लगाने के बाद हम अगर पुलिस इनको नॉर्मल बंदों को मारेंगे तो पुलिस ज़्यादा आएगी, और अगर नॉर्मल मारेंगे कम आएगी, मतलब तीन लोगों को मारना सबसे। यहाँ पर एक को मार दिया मैंने, एक और वहाँ पर एक और लेडी, इसको भी मार देते तो वो आई थिंक मर चुकी है, अबे मर जा। तीन लोगों को मारना टोटल मेरे को, तो अभी मैंने ये चीट कोड एक्टिवेट करने के बाद मैं इन लोगों को मारूँ तो अभी पुलिस ज़्यादा आएगी, मतलब तीन कार से ज़्यादा आएगी, ऐसा मिथ कब बोलना है। तो चलो पहले ये देख लेते, ओके दो कार्स तो उधर ही आ चुकी, वो देखो भाई दो कार्स वहाँ पर आ रही एंड यस दो कार्स तो उस साइड भाई, एक इस साइड से आ चुकी, तीन आ चुकी है भाई। ऊपर मारेगा क्या भाई, रुको यार इन्फिनिटी हिल लगा ले तो क्या पता आकर मार दे। अरे भाई तीन कार तो वो सामने देख सकते आप, तीन कार वो प्लस दो कार यहाँ पर, पांच कार्स तो हो चुकी भाई, छह कार एक और आ चुकी, ये देखो भाई एक और सात कार भाई, कितनी ये भाई अंधाधुन आ रहे बंदे। तो इनको लगता है भाई इनका शिकार मिल चुका है, प्रोमोशन इनको अभी चाहिए। देखो इतनी सारी गाड़ियाँ हो चुकी है, तीन तो इस साइड दो उस साइड पांच प्लस एक दो इधर उधर होगी छः, मतलब यस छः कार तो आ रही है। ओके छः कार तो भाई मार दे तू। ओके मैं फिर से रिस्टार्ट कर दूँ गेम को एंड अभी मैं कोई भी चीट कोड एक्टिवेट नहीं करूँगा, तो यहाँ पर नॉर्मल तीन एनपीसी को फिर से मारता हूँ एंड लोकेशन वगैरह सेम है कैसे देख सकते हो यहाँ पर। तो एक इसको मार देता हूँ एंड एक और यहाँ पर दो बंदे और मेरे को चाहिए, तो एक और इन सर को मार देते बिल्कुल जेंटलमैन बनकर फिर यहाँ पर एंड एक और कोई है क्या। ओके मैडम जी प्रकट हो चुकी है, आइए मैडम जी आपका अंतिम संस्कार लीजिए खत्म। तो अभी फिर से तीन को मैंने मार दिया, लेकिन अभी एक दो तीन चार पाँच और वो 5 4 3 2 1 एक्टिवेट नहीं किया मैंने। तो अभी इनका कहना है कि अभी नॉर्मल बिना उसको एक्टिवेट करे अगर मारोगे तो सिर्फ तीन कार्स आएगी। तो ये जो एक कार तो आ चुकी, यस दो भाई दो आ चुकी, तीन भाई तीन भी तो आ चुकी, अरे मार मत भाई, यस तीन ही आई है अभी तक, यस मेरे को भी लग रहा है कुछ ऐसा भाई। ये देखो भाई तीन ही आई है भाई, उस टाइम आपने देखो दो तो उस साइड स्पॉन हो चुकी अगर वो चीट कोड लगाकर हमने किया था, लेकिन अभी देखिए तीन से ज़्यादा आई नहीं थी भाई। यस ये देखो मैम हमने यहाँ पर तीन गाड़ियों से ज़्यादा आई नहीं, तो भाई यस ये मिथ होता है यहाँ पर कंफर्म। नेक्स्ट मिथ, अगर आप फायर गन को नाइट मोड में फोड़ोगे तो इसका शॉट लगेगा। भाई पहली बात तो इसका शॉट चलाने का सपना सपना ही रह गया, क्या ही कर सकते, चलो नाइट मोड लगाते हैं यहाँ पर एंड यहाँ पर इसका शॉट देखा तो है मैंने, चलाया नहीं वो बात अलग है। तो चलिए यहाँ पर जाएंगे इसका शॉट, आरपीजी को चलाना है तो ये इसका शॉट जैसा लगेगा, वैसा जैसा उतना तो कुछ नहीं लग रहा भाई। हाँ लेकिन चिंगारी अलग खुद तो, मतलब निकल रही साइड में से आप देख सकते हो, वो चिंगारी कुछ ज़्यादा मस्त लग रही, लेकिन वो ब्लैक कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ऐसा ब्लैक थोड़ी होता भाई, आप ऊपर जाकर फूटता है मस्त और चारों तरफ फैल जाता है। तो यस मैं कुछ इसी टाइप का आप दिवाली सेलिब्रेट कर सकते इस टाइप, तो यस ये मिथ होता है थोड़ा बहुत कन्फर्म। नेक्स्ट मिथ, मिथ अगर आप जोम्बी मोड में गोस्ट बाइक से जाते हो फिर रुक जाते हो फिर जोम्बी आएगा वो और जल जाएगा, वेट लेट्स गो। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा जोम्बी, अच्छा जोम्बी मोड में जाना, जोम्बी मोड यहाँ पर एंड अभी इनका कहना है कि हम अगर गोस्ट राइडर को लेकर जाएंगे तो खुद से आकर जल जाएंगे। अब इतने पावरफुल, नहीं हो जोम्बी, लेट्स गो। उसका चीट कोड 5 4 5 यही है शायद, यस भाई मर मत भाई, ऊपर बैठ जल्दी। ओके गाइस एयरपोर्ट पर आ चुका, आपको पता होगा यहीं पर होता है अपना जोम्बी मोड, यहाँ पर इतने सारे, तो अभी इनके पास में जाएंगे खुद से, खुद ही आ रहे भाई, इनको आने की जरूरत ही नहीं। ओह भाई ये तो खतरनाक भाई, कितने सारे ज़ॉम्बीज और ये जस्ट झटके में मरते जा रहे भाई, वो उड़कर अरे मैं नीचे गिर चुका हूँ, लेकिन भाई ऊपर आकर गिर गए भाई, चल क्या रहा है यहाँ पर भाई, गलत, अबे नहीं ऐसा नहीं चलता भाई, ये तो सारे मेरे भाई, क्या चल क्या रहा है भाई। वैसे अपने को देख रहे हो, अपने को कुछ नहीं हो रहा, बाइक किधर गई, बाइक पर बैठने दो भाई, मार देंगे मेरे को भाई, लेकिन इतने सारे ज़ॉम्बी तो जल चुके, अरे ये मुंह उठाकर आ रहे फिर भी, लेकिन ये सामने देखो अगर कितने सारे ज़ॉम्बीज यहाँ पर जल चुके और अपनी बाइक यहाँ पर गिर जाओ, एक बार फिर से ऊपर बैठ जाऊँ तो फिर इनकी कोई यहाँ पर इतनी पावर नहीं कि अपने को मार पाए। ये देखो फिर से जल गए,
लेकिन बाइक को भी उड़ा दिया इन्होंने। लेकिन आपने देखो लेस्ट, मतलब भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या लगी हुई भाई, ये कैसे उठा भाई बंदा। वेल लेकिन ये मिथ होते यहाँ पर कंफर्म। नेक्स्ट मिथ, पल्सर 5000 को मिक्स कलर करे तो थोड़ी मॉडिफाइड जैसी लगेगी। क्या कहना क्या चाहते हो, पल्सर जो है ये 5000 से स्पॉन होती है, इसको थोड़ा मॉडिफाइड मतलब इसको कलर करे तो मॉडिफिकेशन जैसी लगेगी। तो रुको इस ज़ॉम्बीज को मार देता हूँ पहले, नहीं तो ये मेरे को यहाँ पर कलरफुल कर देगा लाल लाल पूरा। मर जा भाई, एक ही एम से काफ़ी टाइम लगता है इनको मरने में। तो कहाँ पर मॉडिफाइड जैसी लग रही, मॉडिफिकेशन किसको बोलते हैं, उसके व्हील्स को थोड़ा मस्त तगड़े कर दे या फिर इसके जो मिरर से इनको खोल दे उसको बोलते हैं यहाँ पर मॉडिफिकेशन। ये कौन सी, ये तो कलर ही, ओ वेट, अच्छा एक सेकंड भाई, इसकी ये रिंग का कलर कैसे चेंज हो रहा है, रिंग, अच्छा यस रिंग भी थोड़ी चेंज हो रही है, दूसरी गाड़ियों की नहीं होती क्या। वेट मैं दूसरी गाड़ी को ट्राई करता हूँ, कौन सी, अपनी R15 को ट्राई करते भाई बेचारी को। तो यहाँ पर चलते हैं, इसकी रिंग का कलर चेंज होता है या फिर नहीं, अब अंदर मत जा। यहाँ पर जाते RGB, अच्छा यस इसी को मॉडिफाई बोल रहे थे, यस इसका रिंग का कलर आप देखो सेम वही है, चेंज नहीं हो रहा, तो उसका रिंग का कलर भी चेंज हो रहा था यहाँ पर देख सकते। तो यस ये मिथ होता है यहाँ पर कंफर्म, डायल 8123 देन 2244 देन 8811, ये सारे के चीट कोड यहाँ पर, लेटेस्ट चीट कोड है। अच्छा 8123 यहाँ से आएगी मस्टैंग आई थिंक, यस 2244 आएगी सुपर आई थिंक, यस 8811 से आएगी कोने से गगेरा, मजाक करो यहाँ पर आ चुकी फर्रारी। तो यस लेटेस्ट चीट कोड थे ये सारे के सारे। नेक्स्ट मिथ, अगर आप कार शोरूम पर जाकर टूल पर जाकर कार बाय लिखेंगे तो शोरूम से दूर जाकर कार वापस आ जाएगी। यस भाई ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही रखा है, तो आप खुद ट्राई कर सकते हो, ये मिथ होता है यहाँ पर कंफर्म। तो गाइस यही थे सारे के सारे मिथ्स जो कि मैंने आप लोगों को बता दी, लेकिन एक बोनस मिथ मैं आपको मेरी तरफ से बताता हूँ। तो चलिए वो क्या है, सबसे पहले आपको इन्फिनिटी हेल लगानी, 9129 इन्फिनिटी हेल लगा ली, 8000 से यहाँ पर हेलीकॉप्टर को स्पॉन करना है, ओके स्पॉन हो चुका है। देन यहाँ पर वही सेम, अच्छा नहीं इसको ऊपर ले जाना, मेरे को याद तो है ना, यस आई थिंक याद तो है, तो यस अभी आपको ऊपर ले जाना, इसको उड़ाते जाना है। तो लेट्स गो, यहाँ पर ऊपर चलते जाना है, चलते जाना है आपको आगे की नहीं, इसी टाइप से ऊपर जाना है, जस्ट ऊपर। और ये ऊपर कैसे जाएगा, आपको आगे का बटन और बैकवर्ड बटन दोनों एक साथ प्रेस करते ऊपर चले जाना है। तो यहाँ पर जैसे आप कुछ इतनी लोकेशन पर आ जाओ, ये आप देखो कितना ऊपर आ चुके। तो अभी मैं दोनों बटन एक साथ में प्रेस कर रखे अभी भी, एंड जस्ट मैं एक बटन मतलब एग्जिट बटन, अरे नहीं ये देखो हेलीकॉप्टर आपका, आपने देखो वहीं पर ऊपर ही रह चुका है वो। लेकिन रुको अभी ये सही से नहीं हो रहा है, मैं नीचे लैंड कर दो, आई थिंक वो नीचे गिर तो रहा होगा लेकिन अभी दिख नहीं रहा है। तो वेट एक और चीज़ उसमें होनी है, तो गाइस यहाँ पर वेट करिए, वो हेलीकॉप्टर क्या नीचे आया कहाँ पर, ये अभी अभी देखो कितना अभी जाकर नीचे आए। लेकिन गाइस इसको मैंने इस तरीके से ट्राई किया था, आप देख सो यहाँ पर, तो आपको जाना है एंड जस्ट आप ऊपर अटक जाओगे कुछ इस तरीके से, और अटकने के बाद ऑटोमेटिक नीचे गिरोगे। तो देखो कितना मतलब वो ऐसा लगा जैसे हेलीकॉप्टर ऊपर ही था थोड़े टाइम के लिए, एंड यस इस टाइप से वो नीचे जमीन के नीचे कुछ गुर जाएगा। तो यस ये बोनस था, और यस ये थे सारे के सारे मिथ्स जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। आई थिंक वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, बाय।